नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। और सबसे पहले रुख अहम जानकारी का करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। वाराणसी को 1800 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा उनके द्वारा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का भी वो उद्घाटन करेंगे। अक्षय पात्र मध्यान्ह भोजन रसोई का भी उद्घाटन करेंगे। 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इस दौरान किया जाना है। इसमें स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज का उद्घाटन, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र फाउंडेशन के 62वें किचन का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। किचन से रोजाना 1,00,000 बच्चों को भोजन और ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। सिग्रा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी करेंगे। तो काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं और करीब 4 महीने बाद उनका ये दौरा हो रहा है। आपको बता दें, इस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। करीब 4.25 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में ही रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पूर्वी भारत के गेटवे के रूप में विकसित हो रही काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1800 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। इसी के साथ ही पीएम के हाथों मिलने वाली सौगात से बदलते बनारस की सूरत में 4 चांद लगेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान काशी वासियों को रिटर्न गिफ्ट भी, यानी कि कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1812 करोड़ रुपए की 45 योजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। इसमें 1220 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास और 591 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। आपको बता दें कि मौजूदा हालात को देखते हुए माना यह भी जा रहा है कि पीएम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का चक्रव्यूह बाबा विश्वनाथ की नगरी से ही रचेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे बताया जा रहा है कि वाराणसी पहुंचेंगे और 4 से 5 घंटे वो वहां पर रहेंगे, और इस दौरान कई सौगातें दी जाएंगी काशीवासियों को। पीएम सिग्रा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति पर देशभर के शिक्षाविदों को संबोधित भी करेंगे, और इसके बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिग्रा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस दौरान 13 योजनाओं का शिलान्यास और 32 योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा उनके द्वारा। इसी के साथ ही एलटी कॉलेज परिसर में अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से बने आधुनिक केंद्रीय किचन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें कि इस बार के वाराणसी दौरे में पीएम के हाथों लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली योजनाओं से काशी की मूलभूत सुविधाओं का विकास भी होगा, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, सीवर, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ये तमाम चीजें शामिल हैं। पीएम के हाथों मिलने वाली इन सौगातों से ये भी कहा जा रहा है कि काशी का मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है। सिग्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जर्मन हैंगर के साथ पांडाल और मंच को तैयार किया गया है। इसी के साथ ही एसपीजी अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों को अपने कब्जे में भी ले लिया है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए, उनके दौरे को देखते हुए कमिश्नरेट में धारा 144 भी लागू की गई है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें आज देने जा रहे हैं। लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर में सजने वाले नाइट बाजार की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, और यहां काशी की कला और संस्कृति भी दिखेगी, साथ ही बनारसी खान पान का स्वाद भी मिलेगा। व्यवस्थित यातायात के साथ साथ जनता की जरूरतों को ध्यान रखकर तैयार अर्बन प्लेस मेकिंग में पर्यटकों को पूरी रात सुविधाएं मुहैया होंगी। इसी के साथ ही सिग्रा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 590 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। सचिन पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे और कहा जा रहा है कि देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और उसके चार महीने बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, इस लिहाज से भी यह दौरा काफी अहम हो जाता है। सचिन, तो देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं, 4 से 5 घंटे वो वाराणसी में रहेंगे और इस दौरान काशीवासियों को कई बड़ी सौगातें उनकी तरफ से दी जाएंगी। बैक टू बैक 3 कार्यक्रम रहने वाले हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। आपको बता दें कि एसपीजी की तरफ से भी कई इलाके हैं जहां पर कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसको अपने कब्जे में ले लिया गया है। धारा 144 लागू की गई है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होते हुए गुजरेगा, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे क्षेत्र को और इस दौरान आपको बता दें तैयारियां इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि देखिए आज के दिन को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे थे और तमाम कार्यक्रम में जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उसका जायजा उनकी तरफ से लिया गया था और साथ ही साथ अधिकारियों से भी बातचीत की गई थी कि किस तरह से व्यवस्था रहने वाली है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।